ये हमारे छोलिया और आलू की सब्जी, हरे छोलियों की सब्जी सलाद और पूरियों के साथ। हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी हरे चने की सब्जी, छोलिया जिसको कहते हैं आप लोग। ये हमारा गैस है, गैस को हम ऑन करेंगे और ये हमारा कुकर है, इसको हम गैस के ऊपर रखेंगे और आज हम बनाएंगे छोलिया, हरा छोलिया की सब्जी। अब हमारा कुकर हो चुका है गरम, अब हम डालेंगे इसमें तेल। मैं सरसों का ही तेल इस्तेमाल करती हूँ हर चीज में। ये हमने तेल डाला है, ये हमारा तेल गरम हो रहा है, तो इतनी देर हम प्याज काटेंगे, बारीक बारीक प्याज काटेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, जीरा के साथ ही डाल दूंगी मैं प्याज। अब जब तक थोड़ा हमारा प्याज गरम होता है, हम काटेंगे टमाटर, इसका हमने ऊपर ये काट दिया था, अब ये निकाल देंगे हम इसके जो ऊपर के हिस्से। टमाटर को काटेंगे हम छोटे छोटे पीस में। ये हमारा चटनी का टमाटर बचा हुआ था, इसको भी हम इसमें काट लेंगे, इसका ये हिस्सा ऊपर का काट देंगे। गैस को हम कम कर देंगे। टमाटर छोटे हैं इसलिए मैं तीन टमाटर डाल रही हूँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं टमाटर। टमाटर से खट्टी खट्टी सब्जी होती है, तीन की जगह एक और डाल देती हूँ छोटा सा टमाटर। देखो कितने छोटे टमाटर हैं ये। थोड़ा सा डालेंगे हम आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये अभी हमने बनाया था जो वही है ताजा ताजा, इसको मिक्स कर देंगे जब तक ये पकता है। हमने टमाटर प्याज लहसुन सब कर दिया, ये काट के रख दिया है। अभी हम करते हैं अपने आलू, आलू काटते हैं। पहले हम इनको छील देंगे अच्छी तरह, साथ में देख रहे मसाले को। हम दो आलू डालेंगे एक कटोरी छोलिया में। ये मेरे बगीचे में हो रहा था थोड़ा सा छोलिया, वो मैंने कल छीला, छिलके उसके दाने निकाल करके मैं एक कटोरी निकली। मैं सब सब्जी बना के देखती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। दो से तीन जनों का खाना होगा ये। हमारा मसाला देखो भून चुका है, इसमें हमने लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट डाल दिया था जो हमने अभी बनाया था, और ये हमारा मसाला भून चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे मिर्च मसाले, ये हमारा ये देगी मिर्च है, ये डाल दिया हमने एक छोटी चम्मच। ये तीखी मिर्च है, ये भी एक छोटी चम्मच है। ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर,
और एक चम्मच चाहिए धनिया पाउडर, और ये नमक स्वाद अनुसार मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। चम्मच छोटे हैं इसलिए मैंने 1.5 चम्मच डाला है। अब हम इसको हिला देंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये हमारे टमाटर हैं, हम ये डालेंगे टमाटर, जो ये 3-4 छोटे छोटे टमाटर। गैस को कर दिया हमने सीम। अभी ये टमाटर अच्छी तरह से दबाएंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है फिर गाढ़ी होगी। हल्का सा पानी डालेंगे जो नीचे ना लगे। टमाटर को घोटेंगे अच्छी तरह। मेरा सिंपल तरीका खाना पकाने का, अब डालेंगे हम इसमें ये हरे छोले। ये हमारे आलू हैं, जो हमारे आलू हैं हम इसमें डाल देंगे। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखो सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा कलर आ रहा है, अब बनेगी भी अच्छी। पानी डालेंगे हम थोड़ा सा। जो है हमने सब्जी में पानी डाल दिया है, आलू डाल दिए हैं, अब हम इसमें लगाएंगे सीटी। अब हम इसको रखेंगे ढक्कन, प्रेशर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी लगाएंगे। देखो ये हो रही है सब्जी तैयार, अब इसमें लग चुकी है। अब ये सब्जी तैयार हो गई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अब बनाएंगे हम पूरी। ये मैंने पूरी का आटा कर लिया, इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। अब हम बनाएंगे पूरियां। ये तेल हो गया गरम, अब हम पूरी को बेलेंगे। ये हमारी पूरी है।